पगड़ी संभाल जट्टा ये हमारा पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति का पहला राज्य सम्मेलन था जिसमें हरियाणा भर से 150 से ज़्यादा डेलीगेटों ने हिस्सा लिया। ये दो दिन चला, कल ओपन सेशन था जिसमें हर जिले से साथी आए हुए थे। ये संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी जो सरकार वालों ये लड़ाई चल रही है उसको तेज़ करने के लिए एक प्रक्रिया है, क्योंकि पहले हम एक ज़िले में काम करते थे, इस आंदोलन के बाद हमारा संगठन हरियाणा के आधा दर्जन जिलों के अंदर काम कर रहा है। इसमें स्टेट कमेटी का चुनाव हुआ है और 37 मेंबर इसमें स्टेट की कमेटी में लिए गए, जिसमें संदीप सवाच को जनरल सेक्रेटरी तौर पे और मुझे स्टेट के प्रधान के तौर पे नियुक्त किया गया, और 37 मेंबरी कमेटी है जो संगठन के निर्माण के लिए पूरे हरियाणा के अंदर काम करेगी। जो फसलें हैं किसानों की, अभी जल प्रभाव से जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसके ऊपर एक बड़ी लड़ाई देने का हमने फैसला किया, और जो खेती कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको हम और गति देंगे। टिकरी बॉर्डर पर पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा कैंप है। जो हमारा संगठन है ये धरती से जुड़ा हुआ मतलब संगठन है, किसी मार्केबाजी वाला संगठन नहीं है। अखबारों में फ़ोटो लगवाना और सोशल मीडिया पर प्रचार करके घर जाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम तो ज़मीनी सतह पर काम करते हैं। पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा कैंप पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर है, और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमने जो ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग है, जब आपने देखा कि रणजीत सिंह चौटाला कह रहे थे भी सरसा और फतेहाबाद को देंगे, हमने लड़ाई लड़ी फतेहाबाद के अंदर, 1400 से ज़्यादा कनेक्शन जारी करवाए। अभी पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने करोड़ों रुपये किसानों से ले रखा है, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। तमाम मुद्दे हैं जो किसानी और मजदूरों के संबंध में है, जो आम जनता के संबंध में है, उसके लिए हम लड़ेंगे। और ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है बल्कि आम जनता की बन चुकी है, एक बड़ी लड़ाई देने के लिए हमारा संगठन प्रयास करेगा। हमने इसकी स्टेट कमेटी की जो मीटिंग है अभी पाँच अक्टूबर को फतेहाबाद के अंदर बुलाई है, उसके अंदर जो अहम फैसले हम करेंगे, जिसके कुछ हमने निर्णय कर भी लिए हैं। कालेवाड़ी ब्लॉक के अंदर जो नरमे की खेती है वो एक नकली बीज के कारण तबाह हो चुकी है, और जिसको हमने कालेवाड़ी ब्लॉक के अंदर 30 को एक बड़ा धरना देने का फैसला कर लिया साथियों ने, और जो अगले फैसले हैं वो स्टेट सत्र के हम 5 की मीटिंग में लेंगे। साथ ही संदीप सवाच जो हमारे संगठन के नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं वो बात करते हैं। साथियों, हमारे संगठन का खासियत ये है कि फैसले बहुमत के आधार पर होते हैं और फैसले सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं। यहाँ कोई एक आदमी फैसले नहीं करता है कि किसी नेता का आदेश आ गया उसके बाद में हम वो फैसला लागू करेंगे, ऐसा नहीं है। स्टेट कमेटी फैसला करती है, स्टेट कमेटी के फैसले फिर निचले सतह तक जाते हैं। हमारे यहाँ पर कोई आंदोलन का मुखौटा नहीं है, आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। हमारे जो प्रधान चुने गए साथी मनदीप नतवान, वो सबकी सहमति से वह बहुमत के आधार पर सहमति के आधार पर चुने गए हैं। उसके बाद में जो भी स्टेट कमेटी चुनी गई है वो बाकायदा जो डेलीगेट पूरे हरियाणा से आए थे यहाँ पर 150 के करीब और 2 दिन तक रुके हैं। संगठन के विस्तार पर, संगठन के आंदोलन में भूमिका, वह आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हुए वो डेलीगेट जो चुन के आए थे ब्लॉकों से, उन्हीं लोगों ने ये स्टेट की कमेटी चुनी है। हमारे सेंटर के मेंबर है प्रगट सिंह जी जामा राय, जो इस सम्मेलन का जिन्होंने उद्घाटन किया है वो साथी बात करते हैं। ये देखिए, जैसे ही ये आंदोलन चल रहा था सारे देश में खेती कानूनों के खिलाफ, खेती विरोधी जो कानून है उनके खिलाफ चल रहा है, वो समय के दौरान जिस संगठन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति बहुत थोड़े समय में ऊपर कर सामने आकर बड़ा संगठन बना है। आज उसका चुनाव हुआ है, चुनाव में मनदीप नतवान जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं, पूरी टीम चुनी गई है, मैं सभी को बधाई देता हूं इस बात के लिए। और इसके साथ ही आज जो संगठन को मजबूत करने के फैसले हैं, जो हरियाणा में किसानों की लोकल समस्याएं हैं उससे बात रखने की बात है, उसके साथ जो 27 सितंबर को भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है उसमें भी पूरी जोर से ये शमूलियत करने का फैसला किया गया है, और ये पूरे देश का जो संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान है उस पर हम सभी सहमत होकर एक दूसरे के साथ चलते हुए इस 27 सितंबर को बंद करेंगे, और जब तक ये खेती कानून रद्द नहीं किए जाते इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा। किसान 10 महीने से बैठे हैं, उसके बाद भी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। देखिए, ये लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार जैसे किसानों से व्यवहार कर रही है, जो व्यवहार उनका है किसानों के प्रति वो लोग देख रहे हैं। वो अड़ियर वतीरा अपना रही है, वो शासन रच रही है, वो आंदोलन को तोड़ने का बात कर रही है,
लेकिन ये किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन है जो जन आंदोलन बन चुका है और पूरी दुनिया में इस आंदोलन की बात हो रही है तो पूरे देश का लोग किसान इससे जुड़ रहे हैं। इसलिए अगर सरकार बात नहीं कर रही तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। संदीप जी के राष्ट्रीय स्तर पर खेती बचाओ किसान संघर्ष समिति के आप साथ खड़े हो? देखिए हमारा मान लो एक स्टेट में संगठन नहीं है, हम बहुत जल्द इसको ऑल इंडिया का संगठन बनाने जा रहे हैं। हमारे कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा स्टेटों के अंदर हमारा संगठन काम कर रहा है। उसके नाम अलग अलग है, संगठन के झंडे अलग अलग हैं, मगर उसको हम एक झंडा और एक संगठन का नाम देने जा रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमने एक समान विचारों वाले लोगों से काफ़ी 2-3 साल से हमने संपर्क साधा हुआ है, जिसकी हमने सेंटर की मीटिंगें कर चुके हैं कई बार, क्योंकि हम कोई जुगाड़ नहीं कर रहे। अब इस आंदोलन के दौरान कई ऐसे नकली डमी किसान संगठन खड़े हो गए हैं जो पार्टियों के पैसे से चलते हैं, और हमारा जो मतलब एक ऐसा संगठन है जिसमें हम ये दावा कर सकते हैं हमने किसी राजनेता से हमने कोई चंदा नहीं लेते, किसी शाहूकार से कोई चंदा नहीं लेते, बल्कि हम मेहनत करने वाले लोगों के संयोग से हमारा संगठन चलता है। आज ऐसे डम्मी संगठन, ऐसे नकली संगठन खड़े कर लिए पार्टियों ने जो इस आंदोलन को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो चौधरी की बात करते हैं, अखबार में फ़ोटो वाली जो है वो काम करते हैं। आपने देखा होगा कल हमारा सम्मेलन था, कोई भी हमारा ऐसा नेता नहीं था जो माइक की तरफ भाग भाग जाता हो। वो हमारा काम अनुशासन से चलता है हमारा संगठन, और हम एक विचार को लेकर काम कर रहे हैं। पिछले मान लो ये हमने अभी नहीं शुरू किया, अभी 1-2 साल से हम पिछले 16 सालों से हम काम कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि ऐसा संगठन हरियाणा के अंदर खड़ा किया जाए जैसे पंजाब के अंदर महिलाएं भी शामिल होती है संगठनों के अंदर, वो जो सांगठनिक तौर पर लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठी करने के लिए कलाकार लगा दीजिए 50,000 लोग आ जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। एक विचारों वाले लोगों को हम लामबंद कर रहे हैं, और हमें खुशी इस बात की है कि हमने बहुत बड़ा एक काम कर चुके हैं हरियाणा के अंदर, और जिसका हमें बहुत बड़ी सतर पर हमें फ़ायदा हो रहा है। अभी हमने रतिया से शुरू किया था, रतिया के अंदर अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद हम हरियाणा के आधा दर्जन जिलों को छू चुके हैं। बहुत से नौजवान हमारे साथ हैं, आप देखोगे 70% हमारे संगठन में युवा साथी हैं, और वो किसी राजनीतिक पार्टी के झोला उठाने वाले लोग हमारे साथ नहीं हैं, किसी अफसर की दलाली करने वाले लोग हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारे संगठन के कुछ कायदे नियम हैं। हमारी स्टेज से लुटेरी जमात की जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं हमें उसको बोलने नहीं देते। हमारा माइक किसी पार्टी के नेता के लिए स्टेज नहीं बनता, बल्कि किसान और मजदूर स्टेज पर बोलते हैं, और इस बात का जो विरोध है वो राजनीतिक पार्टियाँ हमारा खुलकर करती हैं। मतलब वो महसूस कर रही हैं भी ये ऐसा संगठन बन गया जो नए नए नेता पैदा कर रहा है, नए नए विचारों वाले नौजवान पैदा कर रहा है, उनके लिए वो खतरे की घंटी साबित हो रहा है, और तमाम तरह के वो राजनीतिक दल हमें नुकसान पहुँचाने का भी कोशिश कर रहे हैं, मगर जितना वो कभी सच हारता नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी फौज खड़ी हो चुकी है, और हम हर गांव तक लेके जाएंगे। महिलाओं का संगठन साथ में खड़ा करने का हमने प्रयास शुरू किया, टोहाना के अंदर हमने इसकी शुरुआत कर दी है। हम एक कोड देने जा रहे हैं चुन्नी का झंडी, वो चुन्नी लेकर जब हमारी माताएँ बहनें बाहर निकलेंगी तो पता लगेगा कि किस संगठन की महिलाएँ संघर्षों के मैदान में हैं। बहुत जल्द जब हम आंदोलन करेंगे तो जितने नौजवान जितने आदमी आंदोलन में होंगे उससे ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ खड़ी मिलेंगी, क्योंकि हम एक अनुशासन तरीके से काम कर रहे हैं और एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। किसी चौधरी के लिए, किसी वोट के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि जो कमेरा वर्ग है उसकी दुर्दशा को कैसे सुधारा जाए। लुटेरी जमात के लोगों का राज है, आज 75 साल के लगभग आज़ादी के हम जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न तो मनाया जा रहा है, मगर शिक्षा नहीं है, रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आज सेवा जो सेहत सहूलतें हैं वो आम आदमी की बस से बाहर हो चुकी है। आदमी मर जाता है मगर वो हॉस्पिटल के में इलाज नहीं करा पाता क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं है, और आज सुरक्षा भी नहीं है, आज चोरी की घटनाएँ, नशा, ये सब कुछ सरकार के माध्यम से बकाया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ा पहले मोदी साहब, पहले और सत्ता हाकम कोई और पार्टी की थी, सत्ता और किसी पार्टी की थी, अब मोदी है, मोदी के आने जाने के बाद भी ये फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कॉरपोरेट का राज देश में चल रहा है, कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई है और जनता इसको समझ रही है। और अभी जैसे जैसे आंदोलन तेज हो रहा है वैसे वैसे लोग राजनीतिक पार्टियों की चालों को भी समझ रहे हैं। आप जल्द हम आप देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में ये राजनीतिक पार्टियों के लोग गांव में नहीं जाएंगे। अभी तो कह रहे हैं जे जे बी बीजेपी के लोग ना गांव में जाएं, क्योंकि राज करने के बाद जब जिसके पास सत्ता चली जाती है उसका काम आप मान लो इस लोगों को विद्रोह करने से कैसे रोकना, लोग अपनी आवाज़ ना उठा पाए कैसे रोकना, लाल से देकर रोकना है कि लठ से रोकना है। जैसे खट्टर सरकार तो लठ का सहारा ले रही है, मगर कभी लाठी और गोली लोगों की आवाज़ नहीं दबा पाई। आपने जलियांवाला बाग की घटना हम जानते हैं, जिसका बदला 21 साल बाद लंदन में जाके लिया उधम सिंह ने। मतलब ऐसा देश है हमारा, मतलब लाठी गोली से कोई आंदोलन दबा नहीं कभी, फांसियाँ बहुत हुई आज़ादी के दौरान। अब भी ये लड़ाई भी ऐसी है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अब जो राज है वो लोकतंत्र वो पसंद नहीं करता, हिटलर की नीति को मानने वाले लोगों का राज आ गया, जो अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े थे लोग उनका राज आ गया,
वो लोकतंत्र शब्द से उनको नफरत है और हम लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, हम भगत सिंह के विचारों की बात करते हैं, इसलिए ये लड़ाई मैं तो कहता हूँ ये सावरकर और भगत सिंह के विचारों के लोगों के बीच में है और गद्दारों और देशभक्तों के बीच में आने वाले समय में बनेगी। ये बड़ी लड़ाई देश में बढ़ने जा रही है और हमारा संगठन इसमें बड़ी भूमिका अदा हरियाणा के अंदर करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना किसानों के लिए लाभदायक है या हानिकारक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, पंजाब में कौन मुख्यमंत्री है, हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री है। मैं पहले कह चुका हूँ ये कॉरपोरेट के पक्ष की पार्टियाँ हैं, झंडा बदल जाता है, आदमी बदल जाता है, पार्टी बदल जाती है, व्यवस्था नहीं बदलती। और इनसे हमारा मतलब मुख्यमंत्री बदल जाए चाहे कोई मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का बन जाए, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। वो तो ये कहने को लगता है ये तो कॉरपोरेट के से पैसे से चलने वाली सारी पार्टियाँ हैं, जब तक लोग संघर्षों के मैदान में नहीं आएंगे तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। अंग्रेज़ वोट से नहीं गए थे, अंग्रेज़ को मुख्यमंत्री बदलने से नहीं गया था, जब देश के लोग लड़े थे तो अंग्रेज़ को जाना पड़ा था, जब उसके पास लाठी गोली और कब्जा था देश के धरती पर जिसका, उसको भी जाना पड़ा था, जिसके राज में सूरज नहीं छिपता था। मगर ये मुख्यमंत्री, ये छोटी बातें हैं, इनमें मैं नहीं जाना चाहता। और मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होगा, पार्टी बदलने से, राज बदलने से भी कुछ नहीं होगा, व्यवस्था बदलने से काम चलेगा। आप कह रहे हो कि सभी पार्टियों का विरोध करेंगे, तो क्या आपका संगठन आने वाले समय में चुनाव लड़ेगा? हम चुनाव में, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम चुनाव के बाईकाट ये नहीं है, मगर हम चुनाव से कह देंगे व्यवस्था बदल जाएगी, नहीं बदले। दुनिया का इतिहास है, जब भी कभी इनकलाब हुआ है तो लोगों ने लड़के अपने हक लिए। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, जब देश में अंग्रेज़ गए थे तो अंग्रेज वोट से थोड़ा गए थे, कोई देश के लोगों ने कोई पार्टी बना के वोट थोड़ा बढ़ डाली थी, वोट से तब्दीली नहीं आएगी। लोग लड़ेंगे, जन आंदोलन विकसित हो गए लोग, और ये पार्टियों के लिए जगह नहीं बचेगी, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये लोगों को क्या कह रहे हैं, आज गली नाली पे लड़ा रहे हैं, हमें विकास का एक सड़क बना देना उसको विकास कह रहे हैं। मतलब अभी भी आप जाओगे, ये पार्टियाँ ये के नेता ये दावा करते हैं ये गली हमने बना दिया जी, जैसे उसे बाप के पैसे से बनी हो, वो हमारे टैक्सों के पैसे से बनी। मतलब अब ये समझने का, अभी झोला उठा के घूम रहे थे, अभी भी ये झोला उठाने वाले लोग हैं ना वो खतरनाक है देश की, इस लोकतंत्र के लिए भी। अभी राजनीतिक पार्टियों को झोला उठा के चलते हैं, जिनकी विचारधारा कुछ नहीं है, जिन्होंने शराब के ठेके लेने हैं, जिन्होंने निजी फायदे लेने हैं, वो लोग उनके साथ चिपके हुए हैं। और ये पार्टियां ये वोट कुछ नहीं कर पाएगी। हम कह दें, हमने ये वोट लेने के बाद ये सब चेंज होगा, वोट से कोई चेंज नहीं होगा, वोट कोई हल नहीं है, आंदोलन हल है। आपके नज़रिए से क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं? जितनी राज करने वाली पार्टियां उनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं, कॉरपोरेट से पैसा लेके चुनाव लड़ती हैं और पैसे जब पैसे लेती है तो वो उसमें नशा बांटा जाता है, दारू बांटी जाती है, लालच दिया जाता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो कॉरपोरेट के पक्ष में भुगतते हैं। अभी ये जो कानून है ये कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, इसकी पक्षधर सी, मंडी को ख़त्म करने का जो एक्ट था इस पर कांग्रेस के साइन है। और कहने को अब जनता ने अब दबाव बना लिया, चाहे कांग्रेस के नेता जो मर्जी कह लें। अब पंजाब के अंदर अकाली बादल थे, जो अकाली दल के वो इसके मतलब अध्यादेशों का समर्थन करते घूमते थे, आज लोगों के लठ के डर से, लोगों के विरोध के डर से अब इन कानूनों को गलत बता रहे हैं। ये तो जनता के दबाव है, अभी तो शुरुआत हुई, आगे देखो होता क्या है। ये साथ जितने सफेदपोश नेता है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमने वाले हैं, ये गाँव में नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई समाधान ही नहीं मारा ना। ये कुछ लोग कहाँ रोजगार कहाँ देंगे, हर चीज़ बेच दी है। मोदी साहब कह रहे थे हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, जो भारतीय रेल थी वो भी बेच दी है अडानी को, और हर चीज़ अडानी अंबानियों को हवाले की जा रही। सड़क हमारी पहले बेच दी थी और पैसा दे के सड़क पर जाना पड़ता है, हर चीज़ जहाँ में नौकरी मिलनी है कोई इदारा बचा ही नहीं है, हर चीज़ बेची जा रही है। हर बार ये पेपर लीक करवा दिए जाते हैं क्योंकि बच्चों को नौकरी देनी ना पड़े, नौकरी इनके पास है ही नहीं है। करोड़ों रुपए का मतलब घोटाला है, इनके पास पैसा इकट्ठा करने का साधन है। और ये आप जनता जाग रही है इस आंदोलन से, मैं तो ये कह रहा हूँ ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। जैसे भगत सिंह ने कहा था, अभी जिस आज़ादी की हम कल्पना करते हैं उसके लिए देश के लोगों को एक बार फिर लड़ना पड़ेगा, ये भगत सिंह ने कहा था। आज देश के लोग दोबारा लड़ रहे हैं, भगत सिंह आज फिर लोकप्रिय हुआ। चाचा अजीत सिंह को कौन जानता था, एक नाम था किताबों के अंदर। इस आंदोलन के बाद पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से हमारे किसान संगठन का नाम किसान संघर्ष समिति हरियाणा था, इसका नाम पगड़ी संभाल जट्टा पड़ गया क्योंकि पगड़ी संभाल जट्टा का स्लोगन हमने झंडे पे दिया हुआ था। आज हमें हरियाणा के अंदर और संगठन जो हमें पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से जानने लगे क्योंकि वो लोकप्रिय हो गए चाचा अजीत सिंह। उन्होंने अंग्रेज राज के दौरान भी 9 महीने आंदोलन चला और अंग्रेज़ को भी अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। और मोदी साहब तो अंग्रेज़ों को भी मात पा रहे हैं, 600 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादतें दी हैं, मगर ये मतलब ये नहीं हो सकता कि शहादतें व्यर्थ जाएगी, जो खून गया हमारा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाली नस्लों के लिए नए रास्ते खुलने जा रहे हैं और इन सारी पार्टी जो राज करने वाली जो कॉरपोरेट के पक्ष की है उनके लिए चुनौती जरूर बनेगा ये आंदोलन। चलो धन्यवाद धन्यवाद।